हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस क्लोरोफॉर्म वाटर प्रैक्टिकल, सो लेट्स स्टार्ट। इन वी विल डिस्कस हाउ टू मेक क्लोरोफॉर्म वाटर, यानी कि आज के प्रैक्टिकल में अपन सीखेंगे कि अपन को किस तरीके से क्लोरोफॉर्म वाटर है जो कि लैब में प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल में काम करने का पैटर्न क्या रहेगा, और जो क्लोरोफॉर्म वाटर है यानी कि जो क्लोरोफॉर्म वाटर यानी कि एरोमेटिक वाटर वाटर में आता है, तो एरोमेटिक वाटर की थ्योरी क्या है, किस तरीके से अपन एरोमेटिक वाटर है जो कि बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, रेफरेंस, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, फॉर्मूला, प्रोसीजर, यूज, डायरेक्शंस, रिजल्ट्स, लेबल एंड सम बायोगॉस क्वेश्चंस हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लोरोफॉर्म वाटर से। ऑब्जेक्ट आपको अगेन टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस और सबमिट क्लोरोफॉर्म वाटर मिलेगा। जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा कि डिस्पेंस या फिर सबमिट आपको जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना वेरी करेगा कि आपका लेबल किस तरीके से बनना है। या तो डिस्पेंसिंग लेबल बनेगा या फिर मैन्युफैक्चर्ड लेबल बनेगा। डिस्पेंसिंग लेबल में पेशेंट की इंफॉर्मेशन रहेगी, वाइल जो सबमिट है उसके अंदर केमिकल फॉर्मूला रहेगा। रेफरेंसेस मैंने लिए हैं इंडियन फार्माकोपिया एंड मेहता आरम से। केमिकल अपने को चाहिए क्लोरोफॉर्म वाटर एंड प्यूरिफाइड वाटर एंड बीकर, स्टरर, मेजिंग सिलेंडर एंड पीपेट। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जैसे कि क्लोरोफॉर्म वाटर है, या फिर अपन किसी के भी बारे में बात करें, जैसे कि कोई दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे वो डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर बना रहे हैं, तो उन सब की थ्योरी है यानी कि एरोमेटिक वाटर होता क्या है। तो एरोमेटिक वाटर और मेडिकेटेड वाटर एज डिफाइंड बाय द यूएसपी इज अ क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल और अदर एरोमेटिक वॉलेटाइल सब्सटेंसेज। यानी कि जो एरोमेटिक वाटर है या फिर जो मेडिकेटेड वाटर है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने ये कहा कि जो भी सब्सटेंसेज हैं, चाहे जैसे कि अपन बात कर रहे हैं रोज पेटल्स की, राइट, रोज पेटल्स हैं, तो रोज पेटल्स को जब अपन कोई प्रोसेस के थ्रू है जो कि उसका अगर अपन वाटर एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर वॉलेटाइल ऑयल होगा वो उसका सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन होगा। देयर ऑर्डर एंड टेस्ट आर द सेम एज दोज द ड्रग्स और वॉलेटाइल सब्सटेंसेज फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एम्पायरोमेटिक एंड अदर फॉरन ऑर्डर्स। साथ ही साथ जैसे कि अपन रोज पेटल से है जो कि एरोमेटिक वाटर निकाल रहे हैं या फिर रोज ऑयल निकाल रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा या टेस्ट होगा वो एग्जैक्टली रोज पेटल जैसा होगा। साथ ही साथ जब बनाएंगे तब उसके अंदर अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कोई भी अपने को फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई फॉरेन ऑर्डर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्मोक लाइक स्मेल है जलने की, वो भी अपने को उसमें नहीं आनी चाहिए। दे आर इन जनरल यूज एज फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स व्हीकल। वॉलेटाइल सब्सटेंसेज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक वाटर शुड बी फार्माकोपियल क्वालिटी और द बेस्ट क्वालिटी इफ फाइनेस्ट फ्लेवर इज डिजायर्ड इन केस ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन। यानी कि मोस्टली जो एरोमेटिक वाटर्स हैं वो अपने फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज कर रहे हैं या फिर परफ्यूमसिंग के रूप में भी यूज आते हैं। साथ ही साथ जो भी अपन वॉलेटाइल ऑयल्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है, सपोज कभी अपन फार्माकोपिल क्वालिटी के लिए यूज कर रहे हैं या किसी यूज के लिए अपन इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो जो भी अपन कंटेंट ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो उसकी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी चीज निकले वो प्रॉपरली सैचुरेटेड सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। प्रिपरेशन की बात करते हैं कि भाई एरोमेटिक वाटर बनता कैसे है, तो दो तरीके हैं इसके बनाने के, एक तो वाया सिंपल डिस्टिलेशन और वाया सॉल्यूशन, यानी कि कोई एजेंट ऐड करके या फिर नॉर्मल शेकिंग मेथड से अपन इसको बना सकते हैं। डिस्टिलेशन मोस्टली तब यूज किया जाता है जब आपका सिस्टम है जो कि हीट लेबल नहीं हो, यानी कि हीट से सेंसिटिव नहीं हो, जैसे कि रोज पेटल्स हैं, वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू बनाई जाती है। अब बनाने का तरीका क्या रहता है या प्रोसीजर क्या रहता है वाया डिस्टिलेशन, वो देखते हैं। Place the odoriferous portion of the plant or the drug in suitable still with sufficient purified water and distill most of the water. Separate the excess of the oil form and distillate and preserve or use the clear water portion, filtering if necessary. यानी कि जो भी आपको, जिसका भी आपको एरोमेटिक वाटर निकालना है, जिसका भी आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना है, वो आपने रॉ मटेरियल ले लिया, उस रॉ मटेरियल के अंदर भी जिसके अंदर ऑर्डर है यानी कि जिसमें एरोमा है, स्मेल है, वो पार्ट आपने अलग कर लिया। जैसे कि रोज के अंदर बात करें, पूरा का पूरा अपने को फ्लावर नहीं लेना, केवल पेटल्स लेनी है, क्यों, क्योंकि उसी के अंदर ऑर्डर है। उन्हें लेने के बाद आपने पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी के अंदर उसको डिजोल्व कर दिया वाटर के साथ, फिर जैसे ही आप इसको स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो क्या होगा, स्टीम्स क्रिएट होंगी, भाप बनेगी, और उन भाप के अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल है वो भी अवेलेबल होगा, साथ ही साथ एक वाटर भी डिस्टिलेट होगा जो कि एरोमेटिक वाटर या फिर रोज वाटर के नाम से कहलाया जाएगा। क्योंकि वाटर एंड ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो अपन उसे आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। बट
क्योंकि जैसे रोज पेटल्स हैं या फिर ऑरेंज फ्लावर्स हैं, इनमें दिक्कत ये रहती है कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी अपने को लेनी पड़ती है इनकी, साथ ही साथ जो कंटेंट अपने को बहुत ही कम मिलता है क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो अपने को बार बार ही प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है नया सैंपल लेते हुए। तो इन प्रोसेस को अपन कोहेबेशन भी कहते हैं। दूसरा मेथड बात करें कि प्रिपरेशन ऑफ बाय सॉल्यूशन, तो इसके दो मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या रहता है कि आपको जो भी कंटेंट लेना है जिसका आपको एरोमेटिक वाटर या फिर वॉलेटाइल ऑयल निकालना है, वो 2 ग्राम ऑफ सैंपल आपने ले लिया या 2 ml ऑफ सैंपल ले लिया, उसे 1000 ml प्यूरिफाइड वाटर में डालने के बाद आप अच्छे से उसको शेक करोगे 15 मिनट्स के लिए, या फिर 12 घंटे तक आप उसे रखेंगे, फिर फिल्टर करेंगे यूजिंग अ वेटेड फिल्टर पेपर। पर जो भी क्वांटिटी आपकी रही 100 ml को पूरा करने के लिए, वो आप और रेस्ट ऑफ अमाउंट प्यूरिफाइड वाटर उसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि बेसिकली 2 ग्राम ऑफ सैंपल इज टेकन एंड 100,000 ml ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड एंड कॉन्टिन्यूस शेकिंग इज डन अंटिल द कंटेंट इज प्रॉपरली डिजोल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और लास्ट में वी हैव टू मेक द वॉल्यूम 2000 ml। दूसरा या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात करें, तो इसके अंदर कोई ना कोई है जो कि डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि आपको लेना तो वही रॉ मटेरियल है, बट रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जैसे कि सपोज 2 ग्राम है या जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो ली, उसमें आप एक डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर दोगे और 1000 ml ऑफ वाटर ऐड कर दोगे। अब आपको शेक करना है, तो डिस्पर्सिंग एजेंट का एडवांटेज क्या होगा कि जो आपका वॉलेटाइल ऑयल है वो प्रॉपरली है, जो कि उसका जो सर्फेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी ईजी होगा। इट इज डन बाय इनकॉर्पोरेटिंग थ्रॉडली द वॉलेटाइल ऑयल विथ 15 ग्राम ऑफ टॉल्क और विथ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड सिलिकेसियस अर्थ और पल्प फिल्टर पेपर। यानी कि बेसिकली जिसका भी अपने को वोलेटाइल ऑयल निकालना है उसके साथ अपन इसमें एक 15 ग्राम ऑफ टॉल्क या फिर सिलिकेसियस अर्थ या फिर पल्प फिल्टर पेपर को ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद 10 मिनट तक अपन इसको शेक करेंगे 1000 ml प्यूरिफाइड वाटर के साथ। देन वी हैव टू फिल्टर इट एंड मेक द वॉल्यूम अप टू 100 ml। डिस्पर्सिंग एजेंट्स जनरली इंक्रीज द सर्फेस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स इन इंश्योरिंग मोर रैपिड सेचुरेशन ऑफ द वॉटर एंड फॉर्म्स एन एफिशियंट फिल्टर बेड, दस प्रोड्यूसिंग अ क्लियर सॉल्यूशन। यानी कि मेन जो इनका यूज करने का रीजन यही है कि एक तो जो सर्फेस है वॉलेटाइल सब्सटेंसेस की वो इंक्रीज कर देगा, साथ ही साथ एक जो फिल्टर बेड बनाता है इसे जो सॉल्यूशन है वो भी अपने को क्लियर अवेलेबल होगा। इनकम्पेटिबिलिटीज की बात करें, क्योंकि वॉलेटाइल ऑयल है, एरोमा है, तो अपने को प्रिजर्व भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, साथ ही साथ काफी सारी इनकम्पेटिबिलिटी भी अपने को देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी इनकम्पेटिबिलिटी इसके अंदर आती है सॉल्टिंग आउट। द डिफिकल्टी एनकाउंटर्ड इन कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग एरोमेटिक वाटर इज ड्यू टू अ सॉल्टिंग आउट रिएक्शन ऑफ सर्टेन इंग्रीडियंट सच एज वेरी सॉल्युबल सॉल्ट इन द वॉलेटाइल प्रिंसिपल ऑफ एरोमेटिक वाटर। यानी कि बेसिकली सॉल्टिंग आउट करके एक प्रॉब्लम है जो कि अपने को मिलती है। आप सॉल्टिंग आउट होता क्या है, तो बेसिकली जैसे ही आपने उसको डिस्टिलेट किया, तो डिस्टिलेट करने के बाद उसके अंदर ऑयल भी है, उसमें वाटर भी है, और उसके अंदर आपका पर्टिकुलर एरोमा कंटेनिंग सब्सटेंस भी है। बट उस टाइम पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट से दूर जाने लगता है, यानी कि वो एज अ प्रेसिपिटेटेड अलग हो जाएगा और सिस्टम से इनसॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो रीजन मेनली ये होता है कि उसके अंदर वेरी सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि अवेलेबल होते हैं, उनको अगर अपन रिमूव कर दें तो ये जो सॉल्टिंग आउट वाली प्रॉब्लम है वो रिड्यूस की जा सकती है। सच एज वेरी सॉल्युबल सॉल्ट इन द वॉलेटाइल प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक वाटर। इन सच केसेस अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द एरोमेटिक वाटर विद प्यूरिफाइड वाटर इज परमिसिबल व्हेन इट हैज नो अदर फंक्शन देन दैट ऑफ व्हीकल और अ डाइल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट विद अ सुटेबल इंक्रीज इन डोजेज इज इंडिकेटेड। साथ ही साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तब अपन जो वॉलेटाइल ऑयल है उसका जो रिप्लेसमेंट है वो नॉर्मल अपन वाटर के साथ, एरोमेटिक वाटर के साथ है जो कि कर देते हैं, अगर उसे सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन के रूप में यूज किया जा रहा है तो। प्रिजर्वेशन की बात करें, तो क्योंकि इसके अंदर एरोमा है तो वी हैव टू स्टोर इन अ क्लोज प्रॉपरली क्लोज कंटेनर। अपन इसे अगर ढक के नहीं रखेंगे तो उसकी जो सारी वॉलेटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ वॉलेटाइल कंटेंट का ऑक्सीडेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए इनको कवर करने के लिए अपने को एम्बर कलर सिस्टम्स है जो कि यूज करने पड़ते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी खराब ना हो। एरोमेटिक वाटर शुड बी मेड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंस्टेंट लाइट एंड एक्सेस हीट एज दे डिटोरिएट विद टाइम। साथ ही साथ अपन जो एरोमेटिक वाटर बनाते हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने को फ्रेश ही सैंपल बनाएं, या फिर बनाना है तो स्मॉल क्वांटिटीज में बनाएं, जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज किया, बाकी वापस फ्रेश सैंपल बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ भी खराब होते हैं, साथ ही साथ लाइट से हीट से भी ये इफेक्ट होते हैं।
डिटोरिएशन में भी कॉज्ड बाय वॉलेटाइजेशन डीकम्पोजिशन और मोल्ड ग्रोथ रिजल्टिंग टू सॉल्यूशन दैट आर क्लाउडली एंड हैव लॉस्ट ऑल ट्रेसेस ऑफ देयर एग्रेबल ऑर्डर. साथ ही साथ जो डिटोरिएशन है उससे कारण दिक्कत क्या होगी, वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, जो परफ्यूमिंग स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, डीकम्पोजिशन खत्म हो डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगा या फिर मोल्ड ग्रोथ भी उसके अंदर हो सकती है. तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपने को इनकम्पेटिबिलिटी के रूप में देखने को मिल सकती हैं अगर इसे प्रॉपरली है जो कि प्रिजर्व नहीं किया गया. तो प्रिजर्वेशन स्टोरेज के अंदर अगर आप और बात करें तो अपन को कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक वाटर क्या क्या रहेंगे उनके बारे में अगर बात करें तो सिनेमन वाटर है. इट इज अ क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिनेमन ऑयल इन प्यूरिफाइड वाटर प्रिपेयर्ड बाय आइदर द ऑफिशियल प्रोसेसेस. और सिनेमन देन ऑरेंज फ्लावर वाटर है. इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑडरीफेरस प्रिंसिपल ऑफ फ्लावर ऑफ सिट्रस एरोटिनम विच इज फैमिली रूटीएसी. उस पर्टिकुलर पार्ट से अपन ऑरेंज फ्लावर्स का भी एरोमेटिक सिस्टम निकाल सकते हैं. पीपरमिंट की बात करें तो पीपरमिंट ऑयल इज इन प्यूरिफाइड वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय आइदर द ऑफिशियल प्रोसेस. इट कैन बी यूज एज फ्लेवर्ड व्हीकल एंड कार्मिनेटिव. द यूजुअल डोज मे बी गिवन 15 ml. बेसिकली जो पीपरमिंट ऑयल है या पीपरमिंट वाटर है वो फ्लेवर्ड ऑयल के रूप में यूज किया जाता है, साथ ही साथ कार्मिनेटिव यानी जो स्टमक में जो गैस रिलीज होती है या एक्स्ट्रा गैस हो जाती है उसे कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. स्ट्रॉन्ग रोज वाटर की बात करें तो अगेन ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. फ्लावर्स जो रोजियसी सेंटिफोलिया है उसकी पेटल्स का फैमिली रोजियसी. द फ्लैश फ्लावर्स विथ वाटर आर डिस्टिल्ड देन द एक्सेस वॉलेटाइल ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्लियर वाटर पोर्शन ऑफ द डिस्टिलेट. अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म वाटर के फॉर्मूले की, यानी कि अगर अपने को क्लोरोफॉर्म वाटर बनाना है तो हाउ टू प्रिपेयर इट, कितनी कितनी क्वांटिटी में क्लोरोफॉर्म चाहिएगा, प्यूरिफाइड वाटर चाहिएगा और प्रोसेस क्या रहेगी बनाने की. तो ऑब्वियस है क्लोरोफॉर्म एंड प्यूरिफाइड वाटर वी रिक्वायर्ड. क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी रहेगी 0.25 अगर अपने को 100 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर सबमिट करना है. अगर आपको कोई दूसरी क्वांटिटी है जो कि सबमिट करने के लिए दी जाए तो अगेन द कैलकुलेशन इज नीडेड. जैसे कि अगर 20.25 ml रिक्वायर्ड है 100 ml के लिए तो अगर सपोज आपको एक्स क्वांटिटी है जो कि बनानी है क्लोरोफॉर्म वाटर की, सपोज वो है 20, तो आपको कितना क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर चाहिएगा या क्लोरोफॉर्म चाहिएगा तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे रहेगी. 100 ml के लिए 0.25 चाहिए तो x के लिए कितनी चाहिए, 0.25 × 20/100. तो जो भी क्वांटिटी अपने को 20 ml के लिए चाहिएगी क्लोरोफॉर्म की वो निकल के आ जाएगी. अब बात करते हैं कौन कौन से केमिकल्स जो अपने देखे हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, डिस्क्रिप्शन, यूज एंड सॉल्युबिलिटी. क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CaCl3, कलरलेस होता है, वॉलेटाइल ऑयल है, ऑर्डर इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेस्ट इसका स्वीट रहता है और कभी बर्निंग भी फील होता है. यूज की बात करें फार्मास्यूटिकल एड है, जनरल एनास्थेटिक, कार्मिनेटिव एंड प्रिजर्वेटिव एंड व्हीकल. यानी कि क्लोरोफॉर्म को अपन फार्मास्यूटिकल एड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. जनरल एनास्थेटिक भी है यानी कि जो बेहोश करने के लिए जो काम आती है चीज़ें उसमें भी क्लोरोफॉर्म को ऐड यूज़ किया जाता है, बट क्लोरोफॉर्म जनरल एनास्थेटिक के रूप में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि सीवियर लीवर टॉक्सिसिटी एंड किडनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है. इसकी जो डोज है जो क्लोरोफॉर्म वाटर में अपन यूज़ कर रहे हैं वो कार्मिनेटिव के रूप में भी काम करती है. कार्मिनेटिव बेसिकली जो स्टमक के अंदर जो गैस हो जाती है उसे रिलीज करने के लिए काम में लिए जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव एंड व्हीकल. सॉल्युबिलिटी इसकी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली मिसलेबल विथ इथाइल एल्कोहल एंड लिक्विड ईथर. प्यूरिफाइड वाटर की बात करें तो फॉर्मूला इज H2O, मॉलिक्यूलर वेट इज 18, प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन और आयन एक्सचेंज मटीरियल. क्लियर टेस्टलेस लिक्विड होता है और मोस्टली अपन इसे व्हीकल के रूप में यूज करते हैं. प्रोसीजर की बात करें कि हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म वाटर या फिर डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर अपने को जो भी बनाना है तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो प्रोसीजर के अंदर ऑल ग्लासवेयर वर क्लीन प्रॉपरली एंड ड्राइड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. यानी कि जो भी अपने को सिस्टम चाहिए लाइक अपने को एम्बर कलर बोतल चाहिए, बीकर चाहिए, ग्लास रॉड, मेजिंग सिलेंडर, उन सबको अपन प्रॉपरली क्लीन कर देंगे अकॉर्डिंग टू जो प्रोसीजर्स हैं उनके हिसाब से. फिर जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपको क्लोरोफॉर्म की चाहिए that have to be measured by pipette or mazing cylinder and dissolve in small quantity of water with continuous stirring. यानी कि जितनी भी required quantity है आपकी क्लोरोफॉर्म की वो आपने ली और उससे है जो कि आप small quantity of water में डाल के अच्छे से stir करेंगे. Then solution was poured into mazing cylinder and purified water was added to produce quantity sufficient.
यानी कि जो भी आपकी क्वांटिटी है उसे आप मेजिंग सिलेंडर में पोर करेंगे, और जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है क्वांटिटी सफिशिएंट बनाने के लिए उतना आप प्यूरिफाइड वाटर और ऐड कर देंगे। प्रिपरेशन ट्रांसफर टू नैरो माउथ लाइट रेजिस्टेंस एम्बर कलर बोटल, क्योंकि मैंने बताया है कि क्लोरोफॉर्म वाटर है जो कि लाइट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है, तो उसे अपने को लाइट रेजिस्टेंस एम्बर कलर बोटल में स्टोर करना पड़ता है। इट इज प्रॉपरली लेबल्ड डिस्पेंस एंड सबमिटेड। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी अगेन सेम जो क्लोरोफॉर्म का यूज था, फार्मास्यूटिकल एड, व्हीकल, प्रिजर्वेटिव, जनरल एनास्थेटिक, कार्मिनेटिव एंड प्रिजर्वेटिव। डायरेक्शन की बात करें तो इसे अपन टॉपिकली भी यूज कर सकते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। स्टोरेज इसकी रहेगी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, स्टोर्ड इन ड्राई एंड कूल प्लेस, क्योंकि कंटेंट वॉलेटाइल ऑयल भी इसमें अवेलेबल्स होंगे, तो वी हैव टू शेक वेल बिफोर यूज एंड शुड नॉट बी यूज इफ कंटेन एनी क्लाउडी और फॉरन पार्टिकल्स। यानी कि अपने को तब तक यूज नहीं करना है या यूज नहीं करना है अगर इसमें अपने को कोई भी फॉरन पार्टिकल दिखे। रिजल्ट की बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म वाटर वॉज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस और सबमिटेड विथ प्रॉपर लेबल। लेबलिंग जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, डिस्पेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लेबलिंग डिफरेंट रहेंगी। अगर प्रिस्क्रिप्शन है, अगर डिस्पेंसिंग है, तो यू हैव टू मेंशन द पेशेंट हिस्ट्री। डायरेक्शन इसकी आ जाएगी शेक वेल बिफोर यूज एंड शुड नॉट बी यूज इफ कंटेन एनी क्लाउडी और फॉरन पार्टिकल। डोज इसकी रहेगी 15 to 30 ml। यूज अगेन द सेम, स्टोरेज भी सेम रहेगी। वाइल अगर सबमिटेड का लेबल है तो क्वांटिटीज आएंगी एंड यूज एंड स्टोरेज के डायरेक्शन वो सारी की सारी सेम रहेगी। फिर बात करते हैं कुछ वाइवा वॉस क्वेश्चंस की, जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर पता होने चाहिए, और इनके जवाब मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। फर्स्ट इज, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर, व्हाट इज डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर, डिफाइन टर्म कार्मिनेटिव, राइट स्टोरेज कंडीशन ऑफ एरोमेटिक वाटर, राइट मेथड टू प्रिपेयर एरोमेटिक वाटर, राइट एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूबलाइजिंग एजेंट विच यूज टू मेक एरोमेटिक वाटर। इन सब के जवाब है जो कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।